गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास फोर्थ। माय डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लास वी रिवाइज अवर एक्सरसाइज 0.2। टुडे वी विल रिवाइज अवर एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन और लेस देन। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज करके गिवन ब्लैंक्स को फिल करना है। नाउ स्टूडेंट, पार्ट ए 10,403, बॉक्स 10,340। स्टूडेंट, कौन सा नंबर बड़ा है? स्टूडेंट्स, हम गिवन नंबर के डिजिट्स को कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड से। यहाँ क्या है? 1, यहाँ भी 1 है। नेक्स्ट को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ क्या है? 0, यहाँ भी 0 है, दोनों सेम है स्टूडेंट। उससे नेक्स्ट कंपेयर करेंगे, यहाँ क्या है? 4, यहाँ क्या है? 3। स्टूडेंट्स, 4 है वो 3 से ग्रेटर देन है, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 10,403। स्टूडेंट्स, ये साइन यूज कर देंगे। स्टूडेंट्स, जो नंबर बड़ा होगा उस साइड इस साइन की ओपन साइड आएगी, और जो नंबर छोटा होगा उस साइड इस साइन की कॉर्नर साइड आएगी। नाउ स्टूडेंट, पार्ट सी में गिवन है 50,789, बॉक्स 5,07,894। स्टूडेंट्स, कौन सा नंबर बड़ा है? 5,07,894। ओके स्टूडेंट्स, जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होते हैं वो नंबर ग्रेटर देन होता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, पार्ट ई 8,06,530, बॉक्स 7,69,889। स्टूडेंट्स, गिवन नंबर्स के डिजिट कंपेयर करेंगे, यहाँ क्या 8, यहाँ क्या 7। 8 है वो 7 से ग्रेटर देन है, कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 8,06,530। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली रिवाइज रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, अनसर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन ग्रुप में से स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है। पार्ट ए में गिवन है 24,561, 26,212, 25,733, 29,408। स्टूडेंट, कौन सा नंबर स्मॉलर है? 24,561, इसको सर्कल कर देंगे। स्टूडेंट, सेम एज आपको इसमें स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें लार्जेस्ट नंबर को सर्कल करना है। पार्ट ए में गिवन है 27,601, 29,307, 29,987, 27,285। स्टूडेंट, इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है? 29,987, इसको सर्कल कर देंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली रिवाइज रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में गिवन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर ऐड करने हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट ए में हमें गिवन है 60,666, 66,066, 6,606, 66,606। स्टूडेंट्स, इनमें कौन सा नंबर स्मॉलर है? स्टूडेंट, 6,606 ये सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें 4 डिजिट और बाकी सब नंबरों में 5-5 डिजिट है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जो नंबर लेफ्ट रह जाते हैं उनके डिजिट्स को कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड से। सेकंड नंबर पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? इसमें भी फर्स्ट डिजिट 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। सेकेंड डिजिट को कंपेयर करेंगे, यहाँ 0 है स्टूडेंट्स, यहाँ 6 है और इसमें 6 है। स्टूडेंट्स, जो 0 है ये 6 है स्मॉलर है, तो ये नंबर होगा सेकेंड। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो नंबर रह जाते हैं, इनको कंपेयर करेंगे। इसमें थर्ड डिजिट क्या है? 0, इसमें क्या है? 6। स्टूडेंट्स, 0 है वो 6 है स्मॉलर है, तो ये नंबर होगा थर्ड, और जो नंबर लेफ्ट रह जाते हैं ये होगा फोर्थ। नाउ स्टूडेंट, इनको अब असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे। फर्स्ट नंबर है 6,606, सेकेंड नंबर है 60,666, थर्ड नंबर है 66,066, फोर्थ नंबर है 66,606। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें गिवन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, इसमें हमें गिवन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मैं स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर राइट करने हैं। स्टूडेंट, पार्ट ए में गिवन है 3,426, 12,871, 28,036, 27,005। इनमें कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? हम गिवन नंबर के डिजिट्स को लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर है, इसमें 4 डिजिट है, तो ये सबसे छोटा होगा। बाकी नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे, यहाँ क्या 1, यहाँ क्या 2, यहाँ क्या 2। स्टूडेंट्स, जिसमें 2 है वो 1 से ग्रेटर देन है। अब इनके सेकंड डिजिट को कंपेयर करेंगे, यहाँ क्या 8, यहाँ क्या 7। सो स्टूडेंट, 8 7 से बड़ा है, तो ये नंबर आएगा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आएगा ये नंबर, और थर्ड नंबर पे क्या होगा स्टूडेंट्स? 12,871। फोर्थ नंबर पे आएगा 3,426। स्टूडेंट्स, अब गिवन नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे। फर्स्ट नंबर है 28,036, कोमा सेकंड नंबर है 27,005, कोमा थर्ड नंबर है 12,871, कोमा फोर्थ नंबर 3,426। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली रिवाइज रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ।
नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें गिवन डिजिट्स को यूज करके स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। स्टूडेंट पार्ट ए में गिवन है 4, 2, 7, 6, 3। स्टूडेंट गिवन डिजिट्स को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे, मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट राइट कर देंगे, 7, 6, 4, 3, 2। नाउ स्टूडेंट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो डिजिट्स हमने राइट किए स्टूडेंट विदाउट कॉमा के उन डिजिट्स को सेम राइट कर देंगे। ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा, 76,432। नाउ स्टूडेंट स्मॉलेस्ट नंबर, स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में जो डिजिट्स राइट की थी उनको राइट टू लेफ्ट स्मॉलेस्ट नंबर में राइट कर देंगे विदाउट कॉमा के। स्टूडेंट स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, 23,467। पार्ट एच स्टूडेंट, पार्ट एच में हमें 7 डिजिट्स गिवन है, पहले इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे स्टूडेंट्स। ग्रेटेस्ट नंबर, स्टूडेंट जो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स राइट की थी उनको विदाउट कॉमा के सेम ग्रेटेस्ट नंबर में राइट कर देंगे। ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा स्टूडेंट, 98,64,310। नाउ स्मॉलेस्ट नंबर, स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर के डिजिट्स को राइट टू लेफ्ट स्मॉलेस्ट नंबर में राइट कर देंगे, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें जीरो गिवन है, जीरो को कभी भी वंस पैलेस पर राइट नहीं करते, उसको सेकंड पैलेस पर राइट करेंगे, वंस पैलेस पे उससे ग्रेटर वाले डिजिट को राइट करेंगे 1 को, क्योंकि जीरो को वंस पैलेस पर राइट करेंगे नंबर क्या बनेगा, 0, 1, 3, 4, 6, 8, 1। स्टूडेंट किसी भी नंबर में फर्स्ट पैलेस पे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ से अगर जीरो का हम इरेज कर देते हैं तो हमारे पास नंबर क्या बचता है स्टूडेंट्स, ये एक 6 डिजिट का नंबर रह जाता है और हमें क्वेश्चन में 7 डिजिट्स गिवन है, इसलिए स्टूडेंट जीरो को कभी भी वंस पैलेस पे राइट नहीं किया जाता, वंस पैलेस पे उससे ग्रेटर वाले डिजिट को राइट किया जाता है और जीरो को सेकंड पैलेस पे राइट करते हैं स्टूडेंट्स। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली रिवाइज रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में नंबर्स गिवन है स्टूडेंट, इनके डिजिट्स की पोजीशन को चेंज करके स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर राइट करना है स्टूडेंट्स। पार्ट ए में गिवन 25,938, स्मॉलेस्ट नंबर इससे क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ऐसे जो नोट किया स्टूडेंट्स मैंने यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर को, स्मॉलेस्ट नंबर में स्टूडेंट्स हम गिवन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 8 और उसके बाद 9। स्टूडेंट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 23,589। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 7 एंड 9। स्टूडेंट 7 और 9 का यूज करके ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, रिपीटिंग 7 2 times। स्टूडेंट उसमें 7 को 2 times रिपीट करना है। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट नंबर को यहाँ पे मैंने जी से डिनोट किया है। ग्रेटेस्ट नंबर में स्टूडेंट्स हम डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं, सबसे पहले 9 को राइट करेंगे, 9, 9, 9। 5 डिजिट नंबर बनाना है स्टूडेंट्स, 7 को 2 times रिपीट करना है स्टूडेंट्स, 7 और 7। स्टूडेंट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 99,977। नाउ स्टूडेंट पार्ट बी, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 3 और 4। स्टूडेंट डिजिट्स 3 और 4 का यूज करके 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है, रिपीटिंग 4 2 times और जिसमें से 4 को 2 times रिपीट करना है स्टूडेंट। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर स्टूडेंट डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, तो पहले किसको राइट करेंगे, 3 को 3 times राइट कर देंगे स्टूडेंट और 4 को 2 times रिपीट करना है स्टूडेंट्स, 4 4। सो स्टूडेंट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, 33,344। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली रिवाइज योर कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आई एम सिमरन मैम, योर इंग्लिश टीचर। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन अवर नाउन टॉपिक रिविजन, एंड नाउ इन दिस क्लास विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक द प्रोनाउन। सो लेट स्टार्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। फर्स्ट है, ही इज अ टीचर। सेकेंड, सी केम हेयर हर सेल्फ। थर्ड, आई माई सेल्फ सा द थीफ। फोर्थ, दिस इज अ डॉग। फिफ्थ है, हाउ आर यू। द कलर्ड वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। जो हमारे कलर सेंटेंस है, इन जो हमारे कलर वर्ड्स हैं इन सेंटेंसेस में, वो किसके प्लेस पर यूज़ किए गए हैं, नाउन के प्लेस पर यूज़ किए गए वर्ड्स हैं, दे आर कॉल्ड प्रोनाउन। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। मीन्स नाउन के प्लेस पर जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्रोनाउन्स। ए प्रोनाउन्स रिप्लेसेस ए नाउन्स इन द सेंटेंसेस। वर्ड्स विच आर यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। वो वर्ड्स जो कि नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन्स। लेट अस स्टडी द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन्स। फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन्स।
read the following sentences. First, I am Ali. I am your friend. You are Aisha. You are my classmate. Second, third, he is Mr. Roy. He is our teacher. D, she is Mrs. Ritika. She is his wife. E, Roy and Ritika are in the garden. They are playing in the badminton. F, they have a parrot. It is very talkative. The colored words I, you, your, me, he, our, she, his, they, it are used for some persons. ये जितने भी वर्ड्स हैं किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, वर्ड्स सम कुछ पर्सन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं. नाउ से वोम दे स्टैंड फॉर. इन द सेंटेंस आई स्टैंड फॉर अली, यूअर स्टैंड फॉर आयशा, यू स्टैंड्स फॉर, माई स्टैंड्स फॉर, ही स्टैंड्स फॉर, अवर स्टैंड्स फॉर. मीन्स ये किसी नाउन्स के जगह पर यूज़ किए गए वर्ड्स हैं. ये हमारे क्या हो गए, प्रोनाउंस हो गए. ये हमारे क्या हो गए, पर्सनल प्रोनाउंस. द प्रोनाउंस कलर्ड वर्ड गिवन अबाउ आर यूज फॉर सम पर्सन, सो दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, द प्रोनाउंस यूज फॉर द नेम्स ऑफ पर्सन. किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, नेम पर्सनस के नेम्स के लिए, एनिमल्स के नेम्स के लिए एंड थिंग्स के नेम्स के लिए आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड्स फॉर थ्री पर्सनस, थ्री पर्सनस के लिए स्टैंड होता है ये. फर्स्ट पर्सन, द पर्सन यूज फॉर द पर्सन स्पीकिंग आर कॉल. वो पर्सन जो स्पीकिंग कर रहा है, वो पर्सन क्या होता है, हमारा फर्स्ट पर्सन होता है. फॉर एग्जाम्पल आई, वी, मी, अस. नेक्स्ट है सेकेंड पर्सन, द प्रोनाउन यूज फॉर द पर्सन स्पोकन आर कॉल्ड सेकेंड आर कॉल्ड प्रोनाउन ऑफ द सेकेंड पर्सन. वो पर्सन जो कि फर्स्ट पर्सन जिससे भी स्पीक ऑन करता है, वो हमारा क्या होता है, सेकेंड पर्सन. फॉर एग्जाम्पल यो, योवर. थर्ड पर्सन, सम प्रोनाउंस आर यूज फॉर एनीवन और एनीथिंग एल्स आर कॉल्ड द प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन. एग्जाम्पल ही, सी, हिम, हर, दे, देयर, दैम, इट, इट्स, इट एक्स्ट्रा. किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में बात की जाती है, वो हमारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं. ये टेबल है सिंगुलर आई फर्स्ट पर्सन की, आई, माई, मी. सेकेंड पर्सन की सिंगुलर यो, योवर. थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स. प्लूरल फर्स्ट पर्सन वी, अस, अवर. सेकेंड पर्सन यो, योवर. थर्ड पर्सन दे, दैम, देयर. सेकेंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं हमारे, एग्जाम्पल आई केम देयर माई सेल्फ, बी ही गोज हर हेयर हिमसेल्फ. वैन सेल्फ और सेल्फिस इज एडेड टू अ पर्सनल प्रोनाउंस, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. सेल्फ और सेल्फिस एडेड किए जाते हैं किसमें, पर्सनल प्रोनाउंस में, तो वो हमारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सेल्फ इज एडेड टू अ सिंगुलर प्रोनाउन एंड सेल्फिस टू अ प्लूरल प्रोनाउन. सेल्फ हमारा सिंगुलर प्रोनाउंस में ऐड किया जाता है और सेल्फिस हमारा प्लूरल प्रोनाउंस में ऐड किया जाता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज एट ऑब्जेक्ट. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. लेट अस नो द प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस विद इज पर्सनल प्रोनाउन. जैसे आई का माई सेल्फ हो जाएगा, वी का अवर सेल्फिस, यू, योर सेल्फ, योर, योर सेल्फ, ही, हिम सेल्फ, सी, हर सेल्फ, दे, देम सेल्फिस, इट, इट सेल्फ. नेक्स्ट है एम्पैथिक प्रोनाउंस. वैन आ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट टू शो एम्पैथिस, इट इज कॉल्ड एन एम्पैथिक और एम्पैथाइजिंग प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो जिसके जस्ट आफ्टर बार और सब्जेक्ट को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, एम्पैथिक प्रोनाउंस होता है. जैसे फर्स्ट है, ये है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई कैम हेयर माई सेल्फ, आई माई सेल्फ केम हेयर. ये हमारा क्या हो गया, एम्पैथिक प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. फर्स्ट है एग्जाम्पल दिस इज अ काओ,
These are horses. C. That is an elephant. D. Those are lions. The colored words in the above sentences point out things. This and these refers to things laying close to hand. That to those, that and those refer to thing laying at a distance. These words are demonstrative pronouns. ये colored word है sentences में, ये things को point out करते हैं, means cow. This is a cow. Things को point out करते हैं, वो हमारा क्या होता है, demonstrative pronoun. A pronoun that is that points out the object. Object को point out करने वाले pronouns क्या होते हैं, हमारे demonstrative pronouns होते हैं. नेक्स्ट है अपना इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटरोगेटिव प्रोनाउन आप अच्छे से जानते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन रीड कर लीजिए. एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज वन दैट आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन आस्किंग हो. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, हु इज, हु आर यू, व्होम डू यू वांट टू कॉल, एंड विच इज योर बुक. क्लियर है? एंड I hope you will understand this topic and this topic you learn in our book and notebook. Thank you and have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 13, study of the past. Dear students, in our previous video we complete the reading of the chapter study of the past, and today we will revise this chapter exercise. So let's start the revision. Our first exercise is tick the correct options. Our first question is the period of history when there were no written record is. इतिहास का वो समय जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है उसे हम क्या कहेंगे. ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्री हिस्ट्री, पूर्व इतिहास काल. PREHISTORY हिस्ट्री. द पीरियड ऑफ हिस्ट्री वैन देयर वर नो रिटन रिकॉर्ड इज प्री हिस्ट्री. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एग्जांपल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स. इनमें से क्या है जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स का एग्जांपल नहीं है. तो क्या आएगा, मनुस्क्रिप्ट्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट, मनुस्क्रिप्ट्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफैक्ट. इनमें से क्या है जो आर्टिफैक्ट्स का एग्जाम्पल नहीं है. इंस्क्रिप्शंस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज द पीपल हु स्टडी हिस्ट्री आर कॉल्ड. जो लोग हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं उन्हें कहते हैं हिस्टोरियंस. HISTORIANS. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ एक्सरसाइज नंबर बी इज फिल इन द ब्लैंक्स. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज पीपल हु स्टडी द डैश आर कॉल्ड हिस्टोरियन. वो लोग जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते, वो इतिहासकार कहलाते हैं. तो किसका अध्ययन करते हैं, हिस्ट्री. HISTORY हिस्ट्री का अध्ययन करने वाले लोग हिस्टोरियन कहलाते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइटिंग्स एंड टेक्स्ट कवर्ड ऑन वॉल एंड रॉक्स आर नोन एज डैश. राइटिंग और टेक्स्ट जो है जो वॉल्स पर या रॉक्स पर बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस. INSCRIPTIONS इंस्क्रिप्शंस. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डैश सोर्सेज आर रिटन रिकॉर्ड. कौन से सोर्सेज है जिनका लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध है. लिटरेरी सोर्स. LITERARY लिटरेरी सोर्सेज आर रिटन रिकॉर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज राइटिंग हैड नॉट बीन डिवाइड इन इन्वेंटेड ड्यूरिंग द डैश पीरियड. जो राइटिंग है, लेखन जो है उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था कौन से पीरियड में, प्री हिस्ट्री. PREHISTORY प्री हिस्ट्री के समय में जो लेखन है उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था. नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज डैश. जो इंस्क्रिप्शंस का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, एपिग्राफी. EPIGRAPHY एपिग्राफी. नाउ क्वेश्चन नंबर आवर एक्सरसाइज नंबर सी इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्टोरियंस. जो हिस्ट्री का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, हिस्टोरियंस कहलाता है. तो ये स्टेटमेंट इज ट्रू, सॉरी फॉल्स.
क्योंकि जो स्टडी ऑफ द पास्ट है वो हिस्ट्री कहलाएगा ना कि हिस्टोरियंस कहलाएगा. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट इज प्री हिस्ट्री इज द टाइम पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. प्री हिस्ट्री जो है वो समय काल है जो राइटिंग के इन्वेंशन के बाद का है. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि प्री हिस्ट्री राइटिंग के इन्वेंशन के पहले का समय है. तो ये कैसी स्टेटमेंट है? सेकंड फॉल्स स्टेटमेंट है. और थर्ड क्वेश्चन इज ओल्ड टूल्स एंड वेपन्स आर लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री. ओल्ड टूल्स और वेपन्स हैं वो हिस्ट्री के लिटरेरी सोर्सेज हैं. ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज टूल्स एंड वेपन्स आर द आर्टिफैक्ट्स. टूल्स और वेपन्स जो हैं वो आर्टिफैक्ट्स हैं. ये ट्रू स्टेटमेंट है. यहाँ पे टी आएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिज एक्सरसाइज. यू लर्न कम्प्लीटली दिज एक्सरसाइज. थैंक यू. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों कक्षा 4 में मैं करा रही हूँ आज पाठ 2, वर्ण विचार. ये पाठ मैंने कल आपको पढ़ा दिया था, आज मैं इसके अभ्यास कराऊंगी आपको. तो हमारा पहला प्रश्न है अभ्यास में, वर्णमाला क्या है? इसका उत्तर होगा, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है. वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है. अगला प्रश्न है, स्वर और व्यंजन की परिभाषा लिखिए. उत्तर होगा, स्वर स्वर क्या होते हैं? देखो, स्वर स्वतंत्र इकाई होते हैं. इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती. ठीक है, जैसे ए आ ई, ऐसे ही ऐसे औ तक 11 स्वर होते हैं. ठीक है, आगे है व्यंजन. व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है. ठीक है, तो स्वरों के स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती. और व्यंजनों के उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है. अगला प्रश्न है, सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए. पहला वाक्य हमारा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है. ये सही है, यहाँ पर सही का निशान लगेगा. अगला वाक्य, हिंदी में 11 स्वर होते हैं. ये भी सही है, यहाँ भी सही का निशान लगेगा. स्वरों को बोलने के लिए व्यंजनों की सहायता ली जाती है. ये गलत है, क्योंकि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वरों को बोलने के लिए व्यंजनों की नहीं ली जाती. तो यहाँ पर गलत का निशान लगेगा. स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं. ये सही है, यहाँ पर सही का निशान लगेगा. हिंदी में मूल रूप से 44 व्यंजन है. ये गलत है, व्यंजन 33 है, 44 नहीं है. तो यहाँ पर गलत का निशान लगेगा. आगे है, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए. इन्होंने एक उदाहरण दे रखा है, मैं ए मिलाने से बना मे और ले में आ मिलाने से बना ला, यानी कि मेला शब्द बन गया. ऐसे ही हम सबको जो भी ये दिए गए हैं वर्ण, इनको मिलाकर हमें शब्द बनाने हैं. है में आ मिलाने से बना हा और थे में ई मिलाने से बना थी. क्या बन गया शब्द? हाथी. ऐसे ही कै में ई की, तय में अ ता और बे में ए बे, तो क्या बनेगा? किताब. गे में उगू, ले में अ ला, बे में ए बे, क्या बन जाएगा शब्द? गुलाब. ऐसे ही गे औ रे ई बनेगा शब्द गौरी. रे उ पे ए ये आ शब्द बनेगा रुपया. के ए से ए रे ई ये आ शब्द बनेगा केशरिया. गे ई ले आ शे ए क्या शब्द बनेगा? गिलास. आगे है, नीचे दिए गए चित्रों के नामों में आए वर्णों और मात्राओं को लिखिए. पहला चित्र है शेर का, तो इसमें वर्ण आया है श और मात्रा आई है उसके साथ किसकी? ए की. ठीक है, आगे चित्र है मोर का, तो यहाँ मैं वर्ण के साथ ओ की मात्रा आई है. आगे चित्र है, तो बच्चों क्या हमारे पास चित्र है शेर का, तो शब्द क्या बनाया यहाँ पर? शेर. और यहाँ पर श वर्ण के साथ ए की मात्रा लगी है और र वर्ण के साथ ए. ठीक है, ऐसे ही अगला चित्र है मोर का, या मै वर्ण के साथ ओ की मात्रा है और र वर्ण के साथ ए. अगला चित्र है केला, क वर्ण के साथ ए की मात्रा है और ल वर्ण के साथ आ. अगला चित्र है गिलास, इस
इसमें गै वर्ण के साथ ई की मात्रा है, लै वर्ण के साथ आ की मात्रा और शै वर्ण के साथ ए की। अगला चित्र एक पुरुष का है, इसमें पै वर्ण के साथ उ की मात्रा, रै वर्ण के साथ उ की मात्रा और शै वर्ण के साथ ए की मात्रा है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है अंग अह और ओ के चिन्हों द्वारा शब्द पूरे कीजिए। ये बनेगा पतंग, इसके साथ लगेगी अह की मात्रा, क्या बनेगा प्रातः, ये बनेगा अतः, ये बनेगा डॉक्टर, इस पे ओ का चिन्ह लगेगा, ये बनेगा हंस, ये बनेगा बसंत, ये बनेगा टॉफी, ठीक है, और ये बनेगा नमः। तो बच्चों ये मैंने आपको अभ्यास कार्य कराया है, आप सभी को ये अभ्यास कार्य है अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।